सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपनी शिक्षा में। दोस्तों मैं हूं आपके साथ अजीत नाइक। आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, यानी कि नौकरियों में मांगे जाने वाले वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स जो नौकरी के दौरान आपसे मांगे जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ बातें। ठीक है, आपने 10th पास कर लिया है या भी किसी भी बोर्ड के अंतर्गत आपने 10th क्वालिफाई कर लिया है, तो होता क्या है कि आप जब जॉब के लिए जाते हैं तो कहीं पे भी मांगा जाता है 10th क्वालिफाइड, यानी कि आपकी योग्यता के आधार पर 10th पास होना अनिवार्य, मतलब ज्यादातर 90% देखा जाता है, और बहुत कम ही जगहों में होती है जहाँ पे 8th पास 7th पास ऐसे कुछ मांगे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर में 10th पास मांगे जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप 10th पास तो ठीक है, पर नौकरी में क्या होता है कि उसके अंतर्गत कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। तो ऐसे में अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो क्या है कि आपका सिलेक्शन होने में कुछ कुछ प्रक्रियाओं में बाधा आ सकती है। तो हमें क्या करना है कि इन सब डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है, पर इसकी जानकारी कहाँ से पाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए नहीं चाहिए, तो ऐसे में हाँ हमसे कुछ कुछ भूल हो जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो आपको तैयार करके रखना है। तो चलिए बात करते हैं इसी पर। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है, सबसे पहला और महत्वपूर्ण मानी जा सकती है, वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र यानी कि यह एक विशेष रूप में आपकी जो कास्ट रिलीजन यानी कास्ट को दर्शाती है विशेष रूप में, और मुख्य रूप में अनुसूचित जाति और जनजाति और यानी एसटीएससी ओबीसी के लिए महत्वपूर्ण समझी जा सकती है। ये रिक्वायरमेंट कहीं पे भी होती है जॉब के लिए कहीं पे भी। ठीक है, और अब बात करते हैं दूसरी सर्टिफिकेट, वो है डोमेसियल सर्टिफिकेट। डोमेसियल सर्टिफिकेट होता क्या है, ये निवास प्रमाण पत्र होता है। आप मान लीजिए कि आपने कहीं डिफेंस में अप्लाई की होगी, सीआरपीएफ या इंडियन आर्मी, कहीं पे भी आप रैली में जाएंगे तो ऑब्वियसली आपसे मांगा जाता है डोमेसियल, यानी कि आपके निवास स्थान का कोई प्रमाण पत्र हमें दिखाइए ताकि आपका सिलेक्शन हम कर सके। ऐसे तो वोटर आईडी कार्ड सब भी होते हैं, पर ये डोमेसियल कुछ अलग प्रक्रियाओं के द्वारा आपको प्राप्त होती है, और यह वीडियो लेवल में ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अनमेरिड सर्टिफिकेट, ये तीसरा सर्टिफिकेट है। ठीक है, अनमेरिड सर्टिफिकेट होता क्या है, सॉरी दोस्तों मैंने आखिरी वाला पहले बोल दिया यानी तीसरे नंबर पे, तो ऐसे में कोई बात नहीं, अनमेरिड सर्टिफिकेट। ठीक है, अनमेरिड सर्टिफिकेट होता क्या है कि आपने शादी ब्याह कुछ किया नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि अब जॉब के लिए अप्लाई हो गया, अब ऑप्शन में कहीं ऑनलाइन में होता है कि आपको अनमेरिड फिलअप करना है, तो ऐसे में आपको स्कैनिंग के दौरान आपको अपना सर्टिफिकेट शो करना होता है। अब अगर अनमेरिड सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो ऐसे में क्या होगा कि आपको प्रूफनेस साबित नहीं होगा, तो ये चीजें तो भूल ना हो इसके लिए अनमेरिड सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। ये प्रक्रिया पंचायत लेवल में भी मिलती है और वीडियो लेवल में भी, आप दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर यानी अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, यह एक एक्सचेंज सर्टिफिकेट भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। तो अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट यानी बेरोजगारी सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या है कि आप मतलब इसका भी एक प्रोसेस है, वीडियो लेवल में मिल जाएगी, पर इसके लिए आपको थोड़ा खबर लेना होगा। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट के अंतर्गत अलग अलग विभागों द्वारा यह दी जाती है। अब इसका काम क्या होता है कि आप जैसे मतलब कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किए, वो चाहे सरकारी हो या पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हो, तो उसमें आपको ये कामगार होगा, और जब आप बैंक में किसी लोन के अंतर्गत जाते हैं यानी लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट बोल के आपके प्रमाणिकता साबित हो जाएगी, तो ऐसे में लोन लेना भी सुविधाजनक होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पांचवे नंबर वाले यानी कि गोरखा सर्टिफिकेट। गोरखा सर्टिफिकेट, मैं यह कहना चाहूंगा कि गोरखा सर्टिफिकेट केवल नेपालियों के लिए होता है, जो हमारे भाई बहन सब नेपाली हैं उन्हें यह मुख्य रूप से बना लेना चाहिए। जिस प्रकार से कास्ट सर्टिफिकेट अनिवार्य है अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए और विशेष के लिए, उसी प्रकार गोरखा सर्टिफिकेट भी बहुत ही आवश्यक होता है। अब तो नेपाली भाई लोग या बहन लोग जो भी है, ठीक है, तो उनको ये सर्टिफिकेट बना लेना चाहिए। अब इसकी प्रोसेस भी अलग अलग प्रक्रियाओं द्वारा होती है। तो क्या है कि आप यह प्रमाण पत्र होने पर
कहीं पर आपको छूट मिल सकती है, यानी कि आप जहां तक मैंने देखा है डिफेंस लाइन में इसकी खासा योगदान होता है, जहां पर आपके हाइट में छूट दी जाती है, यानी हमारे गोरखाओं की हाइट थोड़ी कम ही होती है, तो ऐसे में उन्हें और सुविधाजनक होती है कहीं पे भी। तो ये थे हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ चीजें जो कि जनरली है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी भाई हैं या बहन हैं, छोटे भाई सब हैं जो अभी अभी फिलहाल 10th पास कर लिए हैं, 11th में हैं, तो उन्हें कुछ समझ नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी भी उन्हें बताइए कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना आवश्यक है, और हो सके तो आप उनका हेल्प भी करिए ताकि आपके प्रति उनका सम्मान और बढ़ जाए, ठीक है। कि मेरे सीनियर्स ने हेल्प किया इन सब डॉक्यूमेंट्स बनाने में, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप एक समय आता है जब वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं हो पाते, अगर हो भी जाते हैं तो टेंशन भर जाते हैं, तो ऐसे में क्या है कि वो कुछ भी सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाते, तो आप एक सीनियर होने के नाते उनका हेल्प करना बनता है थोड़ा बहुत। तो इतना कह के इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।